हाँ जी, नमस्कार सभी को। राम राम, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास ज़रूर पहुंच सके। हम जॉब से जुड़ी जानकारी इस यूट्यूब चैनल पर लेके आते रहते हैं। आज बात करते हैं DLED परीक्षा 26 से फोटो हस्ताक्षर सही न होने पर 18 कॉलेजों के एडमिट कार्ड रोके। जो भाई DLED है उसने 18 कॉलेजों के एडमिट कार्ड रोक लिए हैं। क्यों रोके हैं भाई, इसकी पूरी जानकारी हम बता देते हैं आपको। DLED प्रथम द्वितीय व प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई से 29 अगस्त तक करवाई जाएगी। परीक्षा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पात्र अध्यापकों के एडमिट कार्ड संस्थान की लॉगिन आईडी वे उपलब्ध करवा दिए। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया गया कि DLED परीक्षा के संबंधित 18 संस्थाओं के प्रवेश पत्र रोके गए हैं। इन संस्थाओं द्वारा नियमानुसार कुछ छात्र अध्यापकों के फोटो रंगीन भेजकर ब्लैक एंड वाइट भेजे गए हैं, तथा हस्ताक्षर भी सही नहीं फॉर्मेट में नहीं भेजे गए हैं। इस संबंध में संबंधित संस्थाओं को 3 बार लिखा भी जा चुका है। इस परीक्षा में 28,058 छात्र अध्यापक परीक्षा देंगे, जिसमें नियमित 25,174 व रीअपियर के 2,884 छात्र अध्यापक प्रविष्ट होंगे। सभी छात्र अध्यापकों के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर दिए लिंक के संबंधित संस्थान अपना यूज़र आईडी पासवर्ड प्रयोग कर डाउनलोड कर सकता है। जो भी छात्र DLED की परीक्षा देगा वो भाई अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, अगर उन्होंने सही डॉक्यूमेंट भेजे हैं तो। ये दिशा निर्देश आए हैं। रंगीन प्रवेश पत्र प्रिंट कराएं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया है कि छात्र अध्यापक एडमिट कार्ड पर दर्शाए गए निर्देश को ध्यान से पढ़कर उनकी पालना करना सुनिश्चित करें। संस्था के मुखिया व छात्र अध्यापक इस बारे विशेष ध्यान रखें कि प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट A4 साइज पेपर पर फोटो के साथ लिया जाना अनिवार्य है। जो भाई DLED की परीक्षा है वो 26 से 18 अगस्त तक चलेगी। वो आपको कलर प्रिंट निकालना है, जो आप एडमिट कार्ड निकालोगे उसको आपको कलर प्रिंट निकलवाना है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट निकलवाते हो तो वो आपका नहीं चलेगा भी, आपको परीक्षा में नहीं बैठना दिया जाएगा। ये जानकारी आप सभी को देनी थी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास जरूर पहुंच सके। थैंक यू।